बायोलॉजी भावना इरा क्लासेस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यू टॉपिक ले रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसका जो वेटेज है बहुत अच्छा वेटेज है। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन। फ्रेंड्स इसमें ये अपना फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में ये बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और इनसे जो भी मैं कराऊंगी बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ें आपके लिए रहेंगी, जिससे क्या है आपका बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, क्वेश्चन अच्छे बने इससे फ्रेंड्स। ये अपन यहाँ पर पाचन एवं अवशोषण के बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे। इसी में ही पहले सबसे पहले फ्रेंड्स हम डाइजेशन पढ़ते हैं, वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, यानी कि पोषण के बारे में डिस्कस करते हैं कि पोषण क्या है। तो अपन पोषण देख लेते हैं फ्रेंड्स, पोषण क्या होता है। पोषण एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीवधारी शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा प्रदान करने एवं उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पोषक पदार्थों का उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, जितनी भी रासायनिक क्रिया होती हैं वृद्धि के लिए, जैसे अपन वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा, यहाँ तक कि फ्रेंड हम बोल सकते हैं जो जनन भी होता है, वो इसी इसके लिए भी अपन को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिशन ही है अपन कह सकते हैं कुल मिला के जो भी चीज़ अपन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए शरीर के मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, वही न्यूट्रिशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन न्यूट्रिशन के तत्वों की बात कर लेते हैं, उसके तत्व कौन से हैं, पदार्थ कौन से हैं। तो पहले तो अपन न्यूट्रिशन के बारे में एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। जो भी पोषक पदार्थों को ग्रहण करने तथा इनको इन शरीर की प्रत्येक जो इनको शरीर की जो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की जितनी भी संपूर्ण प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। इन सभी पदार्थों को जिसमें जीव ऊर्जा प्रदान करते हैं फ्रेंड्स। जो पोषण क्या होता है, जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, जो भी पदार्थ जो अपन को ऊर्जा प्राप्त कराता है वो अपने नए कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण कराता है, यानी कि उससे क्या है, नए कोशिकीय पदार्थों को क्या है, निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, या नए कोशिकीय पदार्थों को संश्लेषण कराता है उनको अपन पोषक तत्व या पोषक पदार्थ बोलते हैं फ्रेंड्स, पोषक तत्व या पोषक पदार्थ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आता, पर आप यहाँ से कुछ देख सकते हो तो इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे जो पीजीटी टीजीटी हुई तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे लैंग्वेज बनती है, तो इस तरीके की डिफाइन करके दे दिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना। चलिए फ्रेंड्स इसके आगे अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। फ्रेंड्स पोषक तत्वों को दो उसमें बांटा गया है, जो भी पोषक तत्व हैं। तो पहले बात कर लेते हैं, पहला पोषक तत्व कौन सा है, दीर्घ पोषक तत्वों के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। पोषक तत्व फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले भी जो अपना न्यूट्रिशन से ही मतलब पोषण से डाइजेशन से इसी से रिलेटेड है, मैंने विटामिन्स के काफ़ी सारी वीडियो बना दिए हैं, आप उनको देखो, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, आप देखोगे अच्छा लगेगा और आपके लिए मतलब देखोगे तो कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी उसमें फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। दूसरी अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लघु पोषक तत्व। लघु पोषक तत्व, लघु पोषक तत्व, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो दीर्घ पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं। वैसे आप देखा जाए कि अपन देखें कि अपने लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, यानी कि एक मायने में कहें अपन के पोषण में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो फ्रेंड्स अपन देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हुई, वसा हुई, प्रोटीन हुए, विटामिन हुई और मिनरल्स हुई, ये अपने लिए ये इनको अपन बोल सकते हैं ये क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, न्यूट्रिशन को डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि दीर्घ पोषक तत्व तो कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ फ्रेंड्स,
न्यूक्लिक अम्ल हुआ फ्रेंड्स, और क्या बोल सकते हैं अपन उसको, वाटर जल, ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। और लघु पोषक तत्व कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो भी विटामिन हुए और जितने भी खनिज लवण यानी कि मिनरल्स हुए, ये लघु पोषक तत्व होते हैं, यानी कि बॉडी में इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, ये दीर्घ पोषक तत्व होते हैं फ्रेंड्स। तो ये तो आपने देख लिया फ्रेंड्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, पोषण के आधार पर जो क्लासिफिकेशन हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, पोषण के आधार पर जो जीवधारियों का वर्गीकरण फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, इसके आधार पर जो हुआ है अपन इसको देख लेते हैं कि किसते हैं। वैसे देखा जाए तो जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो टू टाइप से हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ टू टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो है अपना ऑटोट्रॉफ, नेक्स्ट अपन दूसरा कौन सा है, हेटेरोट्रॉफ्स। फ्रेंड्स बायोलॉजी में एक चीज है, ये आप देख सकते हो, ऑटो मीन्स क्या होता है ये फ्रेंड्स, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से जो लिए गए हैं। बायोलॉजी में जैसे साइंस की जितनी भी लैंग्वेज है लैटिन भाषा में ली गई है, जिसको अपन डेड लैंग्वेज बोलते हैं। डेड लैंग्वेज मतलब मृत भाषा। ये क्वेश्चन भी आता है कि मृत भाषा क्या होती है, मृत भाषा का मतलब ये नहीं है कि वो मर गई है, लेकिन मृत भाषा का ये मतलब है कि उसमें और मतलब नए शब्दों का कोई आविष्कार नहीं होता है, उसमें जितने भी शब्द हैं जो हैं वो ही बने रहेंगे। उसीलिए साइंस में इस लैंग्वेज को हर आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड हुए हैं लैटिन भाषा में यूज़ हुए हैं उनका यूज़ किया गया है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको डेड लैंग्वेज बोलते हैं। और बाकी के आप इंग्लिश वगैरह जो भी लैंग्वेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं नए शब्दों का नया नया निर्माण होता रहता है, हर शब्द जुड़ते रहते हैं डिक्शनरी में, इसीलिए ग्रीक या लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं, उसे डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका फ्रेंड्स क्वेश्चन भी आता है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन वहाँ देखते हैं इसको, डेड लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है डेड लैंग्वेज, तो अपन वहाँ इसके बारे में देखते हैं। तो लेकिन अभी अपन यहाँ पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको इतना बताया। ऑटो मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, सेल्फ। और ट्रॉप्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वही न्यूट्रिशन होता है या फिर अपन नरिशमेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो ऑटो मतलब सेल्फ और नरिशमेंट यानी कि जो अपना भोजन कैसा बनाते हैं फ्रेंड्स, सेल्फ बनाते हैं यानी कि खुद बनाते हैं, वो कैसे होते हैं ऑटोट्रॉप बोलते हैं, या उनको अपन क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन हेटेरो का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अदर होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, या फ्रेंड इनको क्या बोल सकते हैं हम, परपोषी या कब क्या बोल सकते हैं, विषम पोषी या विषम पोषी इनको फ्रेंड्स बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमने इसके बारे में ऑटोट्रॉप्स के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या रहती हैं, इसमें एक तो देखो फ्रेंड्स, जो भी ऑटोट्रॉप्स यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक तो इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण होता है, और क्या होता है फ्रेंड्स इसमें अपन देख सकते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण होगा एंड प्रकाश संश्लेषण होगा उसके बाद अपन प्रकाश संश्लेषण में एक इसमें कीमो कीमो
कीमोट्रॉपिक भी देखते हैं इसमें। अब प्रकाश संश्लेषण फ्रेंड्स अपन देखते हैं इसको क्या क्या बोलते हैं, फोटो फोटोट्रॉपिक और सेकेंड क्या रहता है अपना कीमोट्रॉपिक क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स फोटोट्रॉपिक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जीव अपने भोजन को या अपने जो सबस्टेंस को सबस्टेंस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं फ्रेंड्स, संश्लेषण करते हैं। तो मैं आपको यहाँ लिख के भी थोड़ा बता देती हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो जीव अपने भोजन को सबस्ट्रेट के रूप में क्या करते हैं फ्रेंड्स, रूप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ जिसको अपन CO2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल का उपयोग करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं फ्रेंड्स, जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं फ्रेंड्स। तो और ये कौन करते हैं फ्रेंड्स, इसको आप याद रखना है, ये हरे पौधे करते हैं। कौन करते हैं फ्रेंड्स, हरे पौधे करते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का होता है, फोटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉप में कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो फोटोट्रॉप एक केमोट्रॉपिक। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये फोटोट्रॉपिक या केमोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें जीव अपने जो भी कार्बनिक भोजन को क्या करते हैं फ्रेंड्स, रासायनिक प्रक्रियाओं इसमें क्या होती हैं, जीव अपने कार्बनिक भोजन को रासायनिक प्रतिक्रियाओं या ऑक्सीकरण के द्वारा क्या करते हैं फ्रेंड्स, प्रतिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अकार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, जैसे फ्रेंड्स नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सल्फेट हुआ, इनका उपयोग करके क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये यूज करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये पोषण लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे नाइट्रोबैक्टर हुआ या नाइट्रोमोनास हुआ, ये इसके उदाहरण है। बैक्टीरिया बोल सकते हैं अपन फ्रेंड्स, बैक्टीरिया इसमें आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें फ्रेंड्स हम देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑटोट्रॉप में, तो ये आ गए आपके। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि जो ऑटोट्रॉप में होते हैं वो कौन कौन से आते हैं, तो अपन देख लेते हैं ऑटोट्रॉप फ्रेंड्स। ऑटोट्रॉप में क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ग्रीन प्लांट हुए फ्रेंड्स, और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हुई फ्रेंड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। और अपन देख सकते हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया हुए, सम केमिकल बैक्टीरिया। और फ्रेंड्स अपन देख सकते हैं जो डाइटम्स हुए,
ये भी आप फ्रेंड्स उधर आगे चलोगे तो पढ़ोगे डाइटम्स, मतलब क्या, डाई मतलब होता है टू, और मतलब यानी कि टू सेल वाली जो भी कोशिकाएं होती हैं, मतलब दो कोशिकाओं वाली होती हैं, उनको अपन डाइटम्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एल्गी, एल्गी ठीक है फ्रेंड्स, इनको साइनो बैक्टीरिया भी बोलते हैं फ्रेंड्स, साइनो बैक्टेरिया, साइनो बैक्टीरिया ठीक है फ्रेंड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे जो अपने जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो मैं आपको बताती हूँ जो 90% जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है पृथ्वी पर, तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 90% डाइटम्स और एल्गी करते हैं। और उसमें से भी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स एल्गी करती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन करते हैं, डाइटम्स करते हैं। बाकी के फ्रेंड्स ग्रीन प्लांट्स, बहुत से लोग ग्रीन देखते ही मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन प्लांट पर ही करेंगे, लेकिन ये ग्रीन प्लांट नहीं है। और अपन केमोट्रॉपिक जो देखते हैं फ्रेंड्स, वो किस में आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम केमिकल्स में देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स हो गया फ्रेंड्स, अब अपन हेटरोट्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हेटरोट्रॉप्स, ठीक है फ्रेंड्स, हेटरोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स, इसको भी फ्रेंड्स टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है हेटरोट्रॉप्स को, तो हम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पहला बता देती हूँ होलोजॉइक न्यूट्रिशन। होलोजॉइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से आते हैं, यानी कि इन जानवरों में पोषण के तरीकों के रूप को जाना जाता है, यानी कि जानवरों के जो पोषण होता है उनके अलग अलग रूप को जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको हेटरोट्रॉप में होलोजॉइक को रखा गया है, इसको इसी तरीके से इसमें कौन कौन से आते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा आता है, शाकाहारी को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं अपन, हर्बीवोरस, ठीक है फ्रेंड्स। तो शाकाहारी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बेजीव, यानी कि उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शाक ही चाहिए, अगर उनको शाक नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे, उनको किसी भी स्थिति में केवल शाकाहारी चीज़ चाहिए, यानी कि वो अपना भोजन सीधे शाक से ही प्राप्त या पौधों से ही प्राप्त करते हैं, उनको बोलते हैं अपन शाकाहारी। जैसे कि एग्जांपल अपन क्या बोल सकते हैं, हिरण हुआ, गाय हुई, ये फ्रेंड्स जितने भी शाकाहारी हैं इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं मांसाहारी, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कार्नियोवोरस मतलब होता है मांसाहारी जीव, यानी कि वे जीव जिनको किसी भी स्थिति में शाक की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि क्या होता है वो इसी पर ही डिपेंड होते हैं, पूर्ण रूप से इसी पर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, कार्नियोवोरस बोला जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि ये यानी कि ये जीव वो जीव होते हैं जो क्या करते हैं, मांस के बिना नहीं रह सकते। तो यानी कि जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कौन सा हुआ, शेर हुआ चीता हुआ, और आप और भी देख सकते हो उसे आते जितनी भी मांसाहारी जीव हो, यानी कि वो टोटली डिपेंड किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं खा सकते, यानी कि मांस के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, उनको मांसाहारी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं फ्रेंड्स सर्वाहारी का मतलब होता है ओमनियोवोरस, यानी कि वे जीव जो किसी भी परिस्थिति में अपना मूड बदल के यानी कि कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि समय के अनुसार चलते हैं, अगर उनको जहाँ पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है तो वो उसे रख लेते हैं, यानी कि शाकाहारी भी बन जाते हैं, और जब उनको वो प्राप्त नहीं होते हैं तो वो मांसाहारी भी बन जाते हैं उस परिस्थिति में। तो उसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है फ्रेंड्स, मानव है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कीटहारी फ्रेंड्स, ये कीटहारी इनको क्या बोलते हैं अपन, इंसेक्टिवोरस मतलब
वो जीव जो कीड़े मकोड़ों को ही खाते हैं और उन पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि मेढक हुआ, छिपकली हुई, तो ये कैसी हैं, डिपेंड रहती हैं मेढक उन पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रुधिर पोशी के बारे में बात कर लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, रुधिर पोशी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, शैग्यूवर्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शैग्यूवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको ये रुधिर पोशी होते हैं, ये फ्रेंड्स क्या कहते हैं, केवल यह रुधिर को ही चूसते हैं, जैसे कौन हुआ, खटमल हुआ, जो कोई, ये रुधिर पोशी के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं कैनिवल्स के अंतर क्या कहते हैं, बे जीव जो अपनी ही जाति के क्या करते हैं फ्रेंड्स, उनका भक्षण करते हैं, यानी कि अपनी जाति के जीवों को खाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मछली अपनी ही जाति की छोटी मछलियों को खा जाती है, सर्प अपनी ही जाति के, उसको जरूरत तो अपनी जाति की सर्पों को खा जाता है, सर्प हुआ, कॉकरोच हुआ फ्रेंड्स, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अपन देख सकते हैं कॉकरोच हुआ, सर्प हुआ, और अपन बिच्छू भी इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे का पार्ट अपन इसी में ही डिस्कस करेंगे, हेटरोट्रॉप्स का आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब।